All right. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. What is your full name? My name is Sabia Sultan. You can answer in Urdu. Mera naam Sabia Sultan. Did you have a nickname growing up? Munni. Munni. Munni Baji. Munni. Baji kar do. Munni Baji. Okay. What is the oldest memory you have? सबसे पुरानी आपकी याददाश्त में जो है ना कौन सी है पुरानी जो आपने सोची हो अटावा की कोई मेमोरी जो आपकी याद हो आपको याद है आप बताते थे जो तो घर से आप गिर गई थी हाँ मेरा घर था इंडिया के अंदर ना मुझे अपनी दादी दादा याद है और उसकी क्या मेमोरी याद है कि आप एक बार तो गिर गई कोई ऐसी याद नहीं हाँ एक दफ़ा मैं बचपन में बारिश में छत पे खेल रही थी वो छत मैं जो पानी भरा था ना वो ऐसी कच्ची छत थी तो उस पर जब मैं गई ना तो वो छत नीचे गिर गई उसके साथ मैं नीचे गिर गई थी उसके अंदर ये बहुत पुरानी बात है मेरे साथ मैं बिल्कुल वो हो गई थी समझो किसी को खबर भी नहीं थी वो कमरा लॉक था इस वजह से लॉक करा हुआ था कि वो कच्ची छत थी ना वो उसके लिए वो कोई जाता नहीं था वहाँ और मैं पूरी छत समय अंदर चली गई थी और बहुत मेरे पीछे अभी तक है निशान बहुत बिल्डिंग वगैरह हुई है पता नहीं किस तरह कैसे लोग टाइम मुझे कुछ खबर नहीं लिया था यार और क्या आपकी वो और क्या उसकी मेमोरी है इस तरह की कैसे क्या ये तो मेरे बचपन की है मैं कितने साल की थी ये तो मुझे याद नहीं है मगर ये बहुत बड़ी वो है मेरे साथ Were you named after a family member or does your name have a special meaning? आपका नाम किसी के नाम के ऊपर रखा गया था जैसे इब्राहिम का नाम रखा है इब्राहिम के या फिर नहीं वो मेरे दादा ने मेरा नाम रखा था सहीबा मगर फिर वो सहीबा के बारे में कुछ मीनिंग सही नहीं थे मायने सही नहीं थे तो सबिया सुन सबिया हो गया सबिया बेगम हुआ फिर जब मेरी शादी हो गई तो मैं सबिया सुल्तान हो गई मेरे हस्बैंड का नाम मेरे शोहर का नाम सुल्तान अहमद सिद्दीकी Where were you born? कहाँ पैदा हुई थी? मैं इंडिया में पैदा हुई इटावा शहर में What was your house like? आपका घर कितना किस तरह का था? हमारा घर बहुत अच्छा था कैसा था बड़ा था छोटा था बहुत बड़ा था पीली कोठी के नाम से मशहूर था कोठी का हमारे दादा जिस कमरे में लेटे रहते थे हर वक्त जब जाहिर है वो काफ़ी हो गए थे ना जैसे ओल्ड वीक हो गए थे या बूढ़े बूढ़े हो गए थे तो उनका वहाँ हमेशा रहता था उसको हम कोठी कहते थे और हमारा घर भी बहुत बड़ा था और जैसे पूरे ढाबे में कोठी कहलाता था सब जगह एक तरह से क्या नाम पीली कोठी के नाम से ये तो मुझे याद नहीं पीली कोठी हाँ सब लोग जैसे रिश्तेदार जो मेरे थे वो हमारे घर को बहुत बड़ा कहते थे जैसे बहुत अच्छा और सबके घर कच्चे और ये वो हमारे घर में कमरे भी थे और जो पहले वो कहते थे दालान वो भी थे और घरों में कमरे वगैरह नहीं होते सिर्फ दालान होते थे सहन होते थे मगर हमारा घर जो था उसमें सहन दो सहन थे बड़े बड़े एक छोटा एक बहुत बड़ा जिसमें गर्मियों में हम लोग जिसमें हम खेलते कूदते भी थे बचपन में और वो गर्मियों में हम लोग जैसे सोते थे ना बाहर लोग चारपाइयाँ डाल के वो करके हमारे दादा दादी हमारी हम मेरे पापा मेरी वालदा माँ मेरी भी हम लोग सब वहीं सोते थे बच्चे हम सब बहन भाई समझो और वो उसके कितने कमरे थे एक दो तीन चार कमरे थे हमारे घर में समझे और दो दो बड़े बड़े दालान कहते हैं जैसे अब तो आप को क्या कहते हैं खैर अब तो यहाँ पे क्या कुछ और कहते होंगे मगर हम लोग दालान कहते थे वहाँ दालान थे दो ऊपर छत थी उस पर भी कमरा थे और कमरा था और अच्छा और दो शेड पड़े हुए थे बहुत बड़ी छत थी मेरे चचा थे उनका कपड़ा ऊपर ही होता था मेरे चचा थे वहाँ जब लखनऊ से पढ़ते थे ना और जब वापस आते थे छुट्टियों में तो वो कमरा उनके लिए सेट रहता था वहाँ की बुक्स वगैरह किताबें ये वो वहाँ पे हम लोग ज़्यादा नहीं जाते थे वहाँ
ऊपर कमरा था बहुत बना हुआ था वो. What was your hometown or neighborhood like where you grew up? हमारे बराबर में है ना यही पूछे ना मोहल्ले का कैसा था मोहल्ला आपका इलाका कैसा था आपका ज्यादातर लोग वो रहते थे जो कपड़ा बनाते थे ना कपड़ा बनाते थे खड्डी खाडी को जो कुछ भी कहो जाने में हम लोगों को दुल्हा कहते थे जैसे आप मशीनों कपड़े बनता पहले वो हाथ से बनाते थे जैसे देखा होगा तुमने वो तो वो था वो हमारे मोहल्ले पड़ोसों बहुत रहते थे वो लोग ज़्यादा रहते थे कुछ फैमिली हिंदुओं की भी थी सिख भी रहते थे मगर वो कम थे वो और मुसलमानों में जितने भी वो थे वो सब वो कारीगर लोग थे कारीगर ही कहते ना वो उनके घरों में सबके घरों में लगे हुए थे उसको हम क्या कहते थे नहीं आ रहा तो वो उसको वो वैसे कपड़ा बनता है ना उसके हाथ से करते थे उसको हाँ बुनते हाँ से नहीं बनता है उसका कपड़ा जैसे उसका एक मखसूस नाम है उर्दू के मुझे याद है वो हमारे चारों तरफ वही ज़्यादा रहते थे कुछ फैमिली हिंदुओं की रहती थी कुछ मुसलमान फैमिलियों में जो थे वो सब वो लोग थे हमारे जो रिश्तेदार थे वो दूर दूर रहते थे जो मेरे दादा के दादी के वालिद के जो थे वो ज़रा थोड़े दूर दूर रहते थे और वो करीब में बहुत करीब नहीं थे इतने बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं करीब भी नहीं कोई छोटा शहर है ना इटावा जैसे आप आपके घर चले आए हम इतनी दूर था तो वॉक करके हम लोग जाते थे क्योंकि वहाँ पे तो ज़्यादा इक्के टांगे चलते थे इक्का कहलाता था उसमें एक घोड़ा लगा होता था और उसमें बैठ के जाते थे पर्दे चारों तरफ डले होते थे हम लोग जाते थे हमारे वालदा के साथ जब कहीं जाना होता था किसी रिश्तेदार के पैदल पैदल तो हम जब बचपन में थे तो छोटे जब चले आते थे अपने शहरों में क्योंकि हमारे साथ की लड़कियां थी वहाँ पे हम उन्हें सहेली कहते थे गुइयां कहते थे क्योंकि अब तो वो फ्रेंड के कहा जाता है जैसे मेरी बहुत थी ना दोस्त हैं वगैरह तो वो रिश्तेदारों वहाँ पे हम छोटे थे बड़े हो गए तो फिर हम अम्मी के साथ जब भी जाते थे दादी के साथ तो पर्दे चारों तरफ लगे होते थे इक्के के उसको जाते थे तांगे होते थे या वो कहलाती टमटम जैसे देखी होगी तुमने कायद आजम में वो चचा की मेरी शादी हुई थी वो उसी में गए थे थोड़ी दूर वहाँ गए थे फिर उसमें गए थे गाड़ी में मोटर कहते थे ज़माने में तो पूरे टावे में धूम बज गई थी कि वारस हमारे मेरे दादा का नाम अहमद हुसैन वारसी और वो तो उनके बेटे की जो शादी हुई है वो गाड़ी में बारात गई है उनके नहीं वहाँ पर जाता पहले घोड़ों पर जाती थी बारात पहली दफा मेरे चचा की गई थी मेरे दादा जो थे ना वो इटावा के कमिश्नर थे जब उन्होंने वो वहाँ इलेक्शन जीता था कांग्रेस से थे मुस्लिम लीग दोनों बन चुकी थी ये दोनों जमातें थी कांग्रेस भी था मुस्लिम लीग भी था तो मेरे दादा ने जब इलेक्शन जीता था मुझे अच्छी तरह याद है अभी भी कि जब लोग उनको वहाँ से लेके आ रहे थे थोड़ा बहुत भी याद है तो उनके यहाँ तक हार बने भाग भरे हुए थे और लोगों ने उनको कंधे पर उठाया हुआ था चार आदमियों जैसे यहाँ होता है ना आप इलेक्शन कहते हैं ना वहाँ पे तो मेरे दादा वो थे कमिश्नर और वैसे उनकी जायदाद तो बहुत ही थी काफ़ी उनकी Did you ever get in trouble? बड़े आदमी इटावे में बहुत बड़े समझे आते थे सब अपने रिश्तेदारों में जितने भी हमारे वो थे ना रिश्तेदार रिश्तेदार के इंग्लिश में जैसे आप जो भी थे वो मेरे दादा वो सब भाइयों में अपने बहनों में सब में और भी जो दूर के रिश्तेदार थे उनमें भी सबसे ज़्यादा Did you ever get in trouble? मेरे दादा का यहाँ पिक्चर हाउस तक था सिनेमा कहते थे हम लोग सिनेमा कहते थे और वो ईंटें बनती है उसकी भट्टा कहते थे उसे उसकी ईंटें बनती थी लाल लाल रंग की देखी होगी जो मैं यहाँ पे भी होती थी लाल रंग की ईंटें कहते थे हम लोग उसको ब्लॉक जैसे आप कहते हैं ना उनके मकानात बनते हैं ना उससे तो वो मेरे दादा की थी वाहिद वहाँ पे और किसी की वहाँ नहीं थी वो पूरे टावा में सिर्फ मेरे दादा की थी और एक इतनी बड़ी मशीन वो लगाई हुई थी मशीनें मेरे दादा ने मैंने देखी नहीं थी जाके कभी खैर गई होंगी बचपन में तो याद नहीं इतने बड़े एरिया में लगाई हुई थी एक 2010 के प्लॉट पे कि वो जो होता था गांव से जो आती थी चीज़ें
हमारे दादा मंगवाते थे चावल दालें, तो धान आते थे चावल की जगह, चावल तो नहीं होते हैं ना, धान होते हैं और चावल दालें साबुत होती हैं, वो आती थी बोरियों भर भर के लाते थे लोग वहाँ से वो करना। वैसी गाड़ी होती थी ना वो जो बैलगाड़ी जिसमें दो बैल जुते होते थे, तो उसमें आती थी भर भर के वो बोरियाँ, फिर वो उसके अंदर वो मशीनों में डाल के वो चावल, वो धान से चावल निकाले जाते थे और दालें वो करी जाती थी, जैसे मूंग की मसूर जो जितनी दालें होती थी वो सब साबुत आती थी, फिर वो वहाँ से भर भर के बोरियों में फिर मार्केटों पहुँचा दी जाती थी। इटावे की जो मार्केटें थी ना हमारे शहर की, जो शहर में हम जहाँ पैदा हुए थे वहाँ पहुँचा दी जाती थी, वो भेज दी जाती थी बेचने के लिए। पहले वो लेते थे व्यापारी लोग बड़े वाले, जैसे जिन पर होल्ड कट्टे बहुत सारे, फिर वो छोटे छोटे वाले दुकानदार ले आते थे उनसे, जैसे अब होता है ना यहाँ पे के बड़े बड़े मॉल होते, जैसे अब यहाँ पे वो तुम्हारी मॉल पे गई थी ये वो बहुत है वहाँ पे, तो सब चीज़ बहुत ज़्यादा है। पहले वो लोग खरीदते थे हमारे दादा से, और हमारे दादा की वो थी लकड़ी की टालें, लकड़ी जलती थी ना वहाँ पे, लकड़ी हम लोग इस्तेमाल करते थे, हमारे घर में भी ज़्यादा लकड़ी इस्तेमाल होती थी, उसे खाना पकाते थे। तो पूरे टावे में सब लोग ज़्यादातर वहाँ पे जब तक हम थे वहाँ पर, हम पाकिस्तान हम जब आने से पहले तक तो वो वहाँ पर गैस वगैरह कुछ नहीं था, माछ की पानी डालता था आके पानी लेके आता था, बहुत बड़ा कुआँ था हमारे पड़ोस में, हमारे दादा ने बनवाया था, लकड़ी की टालें थी बहुत बड़ी बड़ी, उसमें मनोटनों वो होती थी लकड़ियाँ, वो लोग ले जाते थे खरीद के, फिर वो अपने घर में जलाते थे चूल्हे पर आग जला के और खाना पकाते थे। तो मेरे दादा ने तो वो क्रीम भी तो बनाई थी तिब्बत से, बनवाई थी वो कारीगर को बुलवाए थे दहरी से, और वो आके उसने उसको आता था, उसने हमारे घर में बैठ के बनाता था वो। और मेरे दादा के पास इतनी माशाल्लाह दौलत थी कि सोने की ईंटें थी उनके पास, गोल्ड की जो छोटी होती है ना, गोल नहीं होते ऐसे होती ईंटें कहते थे हम लोग, छोटी छोटी वो बड़ी बड़ी जैसे ईंटें होती हैं जो मकान बनते हैं, वो छोटी छोटी होती थी, इतनी इतनी मोटी होती थी और इतनी इतनी लंबी होती थी बस। तिजोरी थी हमारे घर के एक कमरे में बहुत बड़ी, भाई दादा की उसके पता कितने लॉक थे और उसके अंदर दादा की सब ये वो रखे जाते थे, रखे रहते थे, और वो भी करते थे भाई मेरे दादा, जब कोई चीज़ सस्ती होती थी सोना हो या कोई भी चीज़ सस्ता होता था तो वो बहुत सारा खरीद लेते थे ठीक, और जब महंगी होती थी तो वो उसको सेल करवा निकाल देते थे। मेरे दादा जो अलग करे पूरे इटावे में बहुत मशहूर थे, आप अब वहाँ पे ट्रेन से आगे इटावा के स्टेशन में उतरते थे ना, वहाँ जहाज तो थे ही नहीं, जो भी उतरते थे ना उतरे ना वहाँ जाके आप उतरते के साथ ही आप कुली से कहें, कुली कहते थे ना लाल कपड़ा जो सामान ले आते हैं एक को तांगों में रखते थे, उनसे कह दो बस कि हमें दूसरे बादशाह साहब के घर जाना है बस, उनको ना मकान का नंबर चाहिए होता था ना उनको कोई और चाहिए होता था, मोहल्लों का नाम मैं हमारे वैसे मोहल्ले का नाम जैसे तुम्हारे ये है मोहल्ले कहते थे, उसका नाम आलमपुरा था। मेरे दादा जी थे ना पूरे टावे में बहुत मशहूर थे। Did you ever get in trouble as a child? आपको कभी शैतानी करते हुए पकड़ा, किसी गुस्सा हुए कोई अब मुश्किल में आई डांटा किसी ने? बी वगैरह ही डांटती रहती थी हमारी वालदा, दादी तो हम दादी हमारे बहुत प्यार करते थे हमें। What did you do? What happened? दादी और दादी इसलिए कि मैं हमारे दो एक मेरे वालिद और एक मेरे चचा ये दो थे ना, मेरी फूफी वगैरह थी वो उनका इंतकाल हो गया था, एक फूफी थी वो तो बिल्कुल हमारी दादी कहती थी कि मुन्नी से मिलती थी वो बहुत ज़्यादा। नहीं आपने क्या किया था जिसकी वजह से आपको वो तो वो याद नहीं मुझको, मैं खैर अच्छा शैतानी करी होंगी बहुत करी होंगी,
बी को ज़्यादा गुस्सा दायरा राज तो कभी हमारे उन्होंने कभी नहीं हमें वो करा बी क्योंकि लड़कियों में दायरा बाग को हमारी बड़ी बहन को तो बहुत ही चाहते थे वो लोग बी क्यों बेसिकली इज द मदर ऑफ अम्मी मेरी है What was your favorite food growing up? आपको कौन सा खाना पसंद है जब बड़ी हो रही थी आप बचपन में या जवानी में या कोई खास नहीं था जब खाना तो हम लोग जो आम खाना बनता था वो सब खाते थे आप कौन सा आपका कौन सा फेवरेट है डिश नहीं जो तो जैसे सालन कोरमा बिरयानी हाँ ये सब कोरमा बिरयानी बकरे कुछ हमारे पकता था ज़्यादातर और बहुत ज़्यादा सब्जी का सालन बनता था तो हम लोग वही था हमारी दादा जी बहुत ज़्यादा वैसे रखते थे केयरफुल के वो ज़्यादा मिर्चे नहीं हो ये नहीं हो तेल की जो वो थे अब बीमार नहीं पड़ जाए हम दादा वगैरह चाहते थे हमारे बच्चे किसी तरह भी आपका अभी तक कौन सा आपका सबसे पसंदीदा खाना है अगर आपको कहा जाए कि मुझे ये खाना है तो आपको मैं मुझे कौरमा वगैरह कौरमा रोटी ज़्यादा पसंद है बिरयानी भी है मगर इतनी नहीं ज़्यादा Did you have any responsibilities at home when you were young? आपकी कोई क्या जिम्मेदारी थी आप जब यंग थी तो क्या क्या आपका काम क्या करती थी आप कोई काम वहाँ पे हम लोग कुछ काम नहीं करते थे जब इंडिया में थे ना पाकिस्तान में भी जब आ गए अपनी माँ के साथ तो मेरी बड़ी बहन जो थी मुझसे कोई काम नहीं करने देती थी मुझे घर का वो खुद सारे काम करती थी सफाई से लेके बर्तन धोना या वो खाना पकाना या जो कुछ होता था मुझे कुछ भी नहीं आता था शादी से पहले जब मैं पढ़ने जाती थी सिर्फ स्कूल वहाँ पे भी क्योंकि मेरी दादी को बहुत शौक था पढ़ाऊँ कहती थी कि नहीं बच्चों को पढ़ाओ What was your favorite subject in school? आपके कौन सा पसंदीदा मज़मून था उर्दू ज़्यादा पसंद थी मुझे वैसे मैंने हिंदी भी पढ़ी वहाँ पे इंग्लिश मैंने वहाँ पढ़ी ज़्यादा जाके चचा के पास जब मैं रहती थी मेरे चचा जब नेवी में होते थे ना तो मुझे ले गए थे हम यहाँ से कराची जब हम पाकिस्तान आ गए थे कराची में अपने मामू खाला के पास रहते थे मेरी वालदा भी मामू खाला थे मेरे तो चचा आके मेरे वो होते थे नेवी में ना तो वो वहाँ ले गए थे मुझको तो उन्होंने बिल्कुल मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल वहाँ के थे ना वहाँ पर करा दिया था एडमिशन मेरा तो फिर वहीं से मैंने इंग्लिश समझ सीखी पढ़ी Who was your best friend growing up? And what did you guys do? आपका जो वो बचपन में कौन सा सबसे बड़ा सहेली थी आपकी दोस्त एंड क्या क्या करते थे आप लोग क्या 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 करते थे वो हम लोग असल वो खेलते थे गुट्टे कहलाते थे एक तो वो खेलते थे और वो कहते थे ना वो क्या कहते थे उछल उछल के करते थे ना वो पहल दूज वो खेल खेलते थे हम लोग आपकी बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या था उनका नाम तो मुझे याद नहीं मगर उनको वो मेरे दादा की पोती थी बेटी थी वो उनका नाम बिट्टो कहते थे उनको प्यार में बिट्टो वो मेरे साथ रहती थी ज़्यादा थी एक पे मुझसे बड़ी मगर वो इतनी बड़ी नहीं थी वो हम लोग खेलते थे उनके साथ और फिर तायराबाद भी थी हमारी ज़ाहिर है शायद तो खैर हमारी मेरी छोटी बहन तो हम जब पाकिस्तान आ रहे थे उससे कुछ ऐसे पहले ही उसको पैदाइश हुई थी What is different about growing up today compared to when you were a child? आपका क्या मुख्तलिफ लगता है जब आप बड़ी हो रही थी वहाँ पे इटावा के अंदर और अब आप देख रही हैं अरब को या दूसरे लोगों को बड़ा होते हुए बहुत अच्छा लगता है जाहिर है क्या क्या मुख्तलिफ क्या है हाँ ये मुख्तलिफ है कि वहाँ पे तो वहाँ की तो दूसरी लाइफ थी ना दूसरी ज़िंदगी थी ना बहुत हम लोगों को वैसा करके रखा जाता था ख़ासतौर पर लड़कियों को लड़के हम स्कूल जाते थे वहाँ पर पढ़ने के लिए अब छोटे थे फिर ज़रा थोड़े बड़े हुए तो बुरका वगैरह उड़ा दिया जाता था अब यहाँ की लाइफ में तो बहुत फ़र्क है ना अब तो ज़िंदगी में उस ज़माने में पाकिस्तान आ गए थे हम जब भी हमारे मामू खाला थे तो वो उन लोगों के पास भी यही था कि बगैर दुपट्टे के क्या बगैर बुरके हम जब तो हम ज़रा और बड़े हो गए थे तो हम मेरे ख्याल 30-40 ईयर के हो गए मैं 13-14 साल के तो फिर तो बगैर बुरके हम स्कूल नहीं जा सकते थे पढ़ने जब मैं जाती थी ना जहाँ से मैंने मैट्रिक कराया कुछ अर्से वहाँ पढ़ी थी फिर शादी के बाद भी मैंने पढ़ाया एक दो साल वो अप्पा स्कूल है ना कराची में
How did you spend time with your family when you were young? What did you guys do? Did you have any traditions? आप किस तरह वक्त गुजारती थी अपने घर के अंदर लोगों के साथ सारे घर की फैमिली के साथ शादी से पहले हाँ शादी से पहले जो अपने दादा के अब्बा के साथ ना कोई इसके अंदर कोई मखसूस छोटे जब मैं हम 9-10 साल के होंगे तकरीबन जब हम पाकिस्तान आ गए थे उसके बाद तो वो ज़ाहिर है इनके पास आना पड़ता था खाला मामू खाला थी मेरी दो मामू थे खाले की एक बेटी थी तो वो उनके साथ ही हम लोग वक्त गुजारते थे बस घर के अंदर ही रहते थे बाहर तो हम लोग जाने का इजाज़त ही नहीं थी Did you have any family traditions or anything that you remember that you guys did together a lot? आपकी कोई फैमिली का ऐसा था कि कोई आपकी ऐसे फंक्शन होते थे फैमिली के खास मखसूस आपकी फैमिली के अंदर जो घर के अंदर कोई एक ट्रेडिशन था कि खाना के लोग खाना है तो पूरे घर वाले साथ बैठ के खाना खाएंगे और एक्टिविटीज़ करेंगे नहीं ऐसी एक्टिविटी नहीं होती थी ना सालगिरह होती थी ना वो कुछ होता था और बस ये होता था कि वो साल का ईद बकरीद पे होता था दावतें होती थी वो खाने जैसे खाए जाते सब आ जाते थे रिश्तेदार जमा हो गए ईद बकरीद का ज़्यादा होता था बस हाँ तो इसका तो कॉन्सेप्ट नहीं था ना उसका ये नहीं था ना कि सालगिरह हो रही हैं बर्थडे जिस पार्टीज जो यहाँ पे अब ये चीज़ें नहीं हमें लगती है ना वहाँ पर जब हम छोटे थे तो हम लोगों को किसी का कुछ नहीं हुआ था मेरे बहन भाइयों में से How many siblings did you have and what are their names? आपकी बहन भाइयों के कितने हैं और नाम क्या क्या हैं मेरे चार भाई और हम तीन बहन हैं सबसे बड़ी बहन थी ताहिरा बेगम उनसे छोटे थे नजमुल हसन मेरे भाई तब इन सब की डेथ हो चुकी है इंतकाल हो चुका है नजमुल हसन उनको प्यार मुन्नू कहते थे हमारे दादाजी सब लोग ही फिर कहते थे और उनके बाद मैं हूँ मेरे बाद मेरे भाई फिरोज़ थे फिरोज़ फिर आफ्ताब आरिफ और सबसे छोटी मेरी बहन शायदा तो मेरे चार भाई हम तीन बहन हैं Do you have any memories or stories about them when you guys were children that you remember? आपको कोई कहानी याद है जब बहन भाइयों की ऐसी आप लोग के साथ की जब ओटावा में थे बचपन में थे पाकिस्तान में या इंडिया के अंदर इंडिया की तो याद नहीं है मुझे इतनी ज़्यादा स्टोरी खैर मगर वो यही था वो एक गिरने का हादसा था वो अभी तक मेरे जहन में है महफूज बहुत ज़्यादा और फैमिली के साथ ना बहन भाइयों के साथ जो आप खेलते हाँ खेलते भी करते थे हम बहुत ज़्यादा कुछ किया हो ना वो फिर मामू वगैरह के साथ भी हमारा रहता था वो हम भाई मैं भाइयों में बड़ी थी ना उनसे तीनों भाइयों से एक भाई मुझसे बड़े थे वो बहुत सीधे साधे से थे बड़ी बहन थी उनके साथ खैर हम ज़्यादा वो करते थे इधर थी उन तीनों भाइयों के साथ हमारा रहता था खेल कूद ये वो भाग दौड़ एक दूसरे को कुछ भी होता था वो उसके साथ क्योंकि हमारी सबसे छोटी बहन शायदा है ना वो तो जब पाकिस्तान से आने हम आर वापस आ रहे थे उदाहरण में जब 47 का वो गया था 47 के बाद जब हम लोग आए हैं तो 51 में आए हैं वो 50 साल में 1950 चार पर 47 में हमारे वो हुआ था ना पाकिस्तान और इंडिया अलग हुआ था उसके बाद हमारे वहाँ पे भी झगड़े होने लगे थे टावे में Can you tell me about what you remember about the partition? आपको जो तकसीम हो रहा था इंडिया पाकिस्तान तो उसका कुछ याद है हाँ ये थोड़ा सा याद है कि वो हमारी हमारे घर में हमारे वो जितने हमारे पड़ोस के लोग रहते थे ना वो हमारी दादी और दादा उनको सबको बुला लेते थे औरतों को जाता घर में हमारे घर में जैसे वो स्टे करते थे रहते थे इसलिए कि वो हिंदू और वो सिख लोग थे ना वो औरतों को लड़कियों को ले जाते थे उठा उठा के और यहाँ तक वो दादा जैसे खूबसूरत कोई लड़कियाँ हैं औरतें होती नहीं हम लोग जैसे तो भाई दादी हम तवा होता ना जिसमें रोटी पकती है उसकी काल पीछे से काला हो जाता था ना तो हाथ में लगा के मुँह पर बांध देती थी क्योंकि वो लड़कियाँ लड़कियों को और अच्छी खूबसूरत औरतों को उठा उठा के ले आते थे घरों से वो सिख और वो हिंदू अच्छा तो इसी वजह से हमारी दादी ने हम लोगों से कहा था कि दादा दादी ने कि तुम लोग पाकिस्तान चले आओ
हमारी वालदा से ही कहा था, वालदा नहीं आने को तैयार थी ना, क्योंकि मेरे वालिद अपनी माँ बाप पर रहना चाहते थे। चाचा हमारे पहले से आए हुए थे पाकिस्तान, पार्टीशन से पहले ही आ गए थे वो। तो हम लोग आए थे तो उसकी उस वक्त हमारे वालदा का तो उनका तो अपनी लड़कियों को लेके चले जाओ, वो उसे बहुत वो थे। वो जैसे हमारी बड़ी बहन थी दायरा पर कहते हैं, मैं और मेरी छोटी बहन तो खैर बेखार से 2 साल की थी उन्होंने। Do you remember any other major world events throughout your life? कोई आपको मेमोरी है आपकी कि ना याददाश्त में कि ना आपके कोई ऐसा वाओ इवेंट्स हुआ हो, जैसे 1971 की वॉर थी, 65 की वॉर थी, तो पाकिस्तान आने के बाद हुई है ना वो। हाँ, ऐसा कोई इवेंट इंडिया का या पाकिस्तान का याद है? हाँ, वो 65 की जंग भी याद है। 65 जंग में पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान की हुई थी ना, तो ये इस घर में ही जो हमारा घर है पाकिस्तान में, उसमें सारे हमारे रिश्तेदार आदमी नहीं रुके थे बेटा, याद है? भाई फुपियाँ वगैरह हमारी, मेरी नंदें वगैरह जितनी भी थी, तो तुम्हारे मेरे हस्बैंड ने, मेरे शौहर ने, सुल्तान साहब ने सबको बुला के अपने घर में रखा हुआ था। यहाँ तक अपनी खाला थी, उनकी फैमिली, उनके जो थे बच्चे वगैरह सब, इस सेफ्टी के लिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब वो सायरन वगैरह बजते थे ना, जब वो बम्बारमेंट होती थी, तो हम लोगों को सबको वो एक स्टोर था उसके अंदर, हम लोग सब अंदर चले जाते थे, छोटे बच्चों को ज़्यादा, या फिर वो होती है ना सीढ़ी कहते हैं जिसको ऊपर जाने की, उसके नीचे ज़्यादा बैठते थे, जाके बैठा लेते थे। इस वजह से कि अगर अपार्टमेंट होगी तो लोग उससे महफूज रहते हैं शायद। और सारे शीशे वीशे खिड़कियों के जो हमारे इस घर में लगे थे, वो सब काले कर दिए गए थे, वो याद है अभी भी। और वो तो वो उसकी जो हुई थी वो याद है, वो फातिमा जीना और वो जो थे अयूब खान, उनके वो हुए थे ना इलेक्शन। तो जब हम किराए के मकान में रहते थे, जब क्योंकि हमारा ये मकान बन रहा था जिसमें हम अब तक है, हमारे सर ने, हमारे शौहर ने बनवाया था, ज़मीन लेके बनवाया था ना, तो उस जमाने में हुआ था। तो वहाँ पे इस कदर लोगों को मारा था, उनका अयूब खां के जो होते ना पठान आते थे और वो आदमियों को और औरतों को निकाल निकाल के करते थे, मार देते थे, कतलाम करते थे। तो मैं उस जमाने में वहाँ रहते थे किराए के मकान में, तो वहाँ पे आमिर की पैदाइश तो वहीं हुई थी ना। अच्छा, ये आमिर हमारे वहीं पैदा हुए थे, याद है बेटा? Tell me about your parents. Where were they born? What were they like? Do you have any favorite memories? आपकी माँ बाप के बारे में, कहाँ पैदा हुए थे और कोई आपकी याददाश्त है कि आप उनकी? मेरे बाप वालिद को तो ये बताती है, मैं वहीं इटावा में पैदा हुए होंगे, दादी बताती इटावा में पैदा हुए, और चाचा भी, और वो फूफी हमारी, एक ही फूफी थी, वो ज़्यादा बड़ी हो गई थी 8-10 साल की जब उनके इंतकाल हुआ था, उनका दादी बताती थी। मेरे वालिद की शादी बहुत छोटे उम्र में कर दी थी, क्योंकि मेरे दादा और दादी बहुत रोते थे, क्योंकि वो उनके ये 2 बेटे थे ना, तो मेरे वालिद और चचा, और वो बेटी से बहुत वो करते थे, मोहब्बत बेटी एक ही थी, तो वो बहुत रोते होते थे, बहुत करते थे। उनके जो बड़े बड़े वकील वगैरह, वो दोस्त वगैरह थे ना, वो उनसे कहने लगे तुम हामिद की शादी कर दो, शादी करके बहू ले आओ, फिर तुम्हारा पोता पोते होंगे तो दिल बहल जाएगा। तो वो हमारी वालदा रहती थी दिल्ली में, वहाँ दिल्ली में रहती नहीं वहाँ पे, और वो दिल्ली में जो जामा मस्जिद दिल्ली की कहलाती है, उसके करीबी कोई मोहल्ला था, उसका नाम मुझे याद नहीं है, वहाँ पर वो रहती थी अपने भाइयों के साथ, माँ के साथ। जब हमें जब साल एक साल में मेरी वालदा जाती थी ना मेरी माँ से भाई बहनों से मिलने दिल्ली, तो वो हम लोगों को, हम बहन भाइयों में से दादी बड़ों को रख लेती थी अपने पास, क्योंकि वो अकेली हो जाती थी इस वजह से, और छोटे बहन भाई हम लोग थे तो ले जाती थी भी हमारे भी हमको अपने साथ पाओ। तो कुछ कुछ दिल्ली का वो जो मकान है वो भी, जामा मस्जिद की सीढ़ियाँ मुझे अभी भी याद हैं। कभी कभी ले आते थे हमारे मामू, बड़े वाले मामू, छोटे मामू, वो नमाज़ वगैरह पढ़ने जाते थे, तो एक आध दफ़ा मुझे लेके गए,
वो बड़े मामू अलाव से वो भी मुझे बहुत प्यार करते थे. What were your parents like? Like me? What were your parents like? How would you describe them? अपने माँ बाप को कैसे बताएंगे कैसे थे वो? मेरे माँ बाप बहुत अच्छे थे. बहुत वैसे भी मेरे माँ बाप तो बहुत ही मजहबी थे. पांच वक्त की नमाज वो मस्जिद में जाकर अदा करते थे, कायम करते थे. और वो हमारी दादी भी पांच वक्त नमाजी थी, कुरान पाक की तिलावत कर रही हैं. हमारी दादी ने हज भी किया हुआ था उस ज़माने में. सब जो मेरी दादी ने जब हज किया था तो वहाँ पर इटावा शहर में हमारे रिश्तेदारों में किसी का कोई हज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था. समझा कोई नहीं था. दादी ने हज भी किया हुआ था मेरी. और वो मजहबी थे, वाले इतने मजहबी थे कि बारिश हो, पानी हो, वो हो, मगर वो मस्जिद में जाके नमाज अदा करते थे. घर में कब उन्होंने मेरे ख्याल से हमारी दादी यही बताती हैं कि वो हामिद कभी घर में नमाज नहीं पढ़ता था. मैं इतना कुछ करती मारती कि भाई बारिश हो रही है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तुम ज़ाहिर भीगते हुए जाओगे, ये होगा, बीमार हो जाओगे ना. तो कहते नहीं, मैं मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ूँगा. वो नमाज मेरा हमारे वो जो है ना हमारे दादा जो थे दादी वारसी ख़ानदान से मुरीद थे. तो इसलिए हमारे दादा का नाम अहमद हुसैन था. उनका वारसी इसलिए लगाते थे कि बहुत बड़े बुजुर्ग हैं इंडिया के. उनका नाम वारिस शाह था, है ना, वारिस शाह है वो जो पहनते कड़ा में और वैसे ऑरेंज रंग के कपड़े. तो हमारी दादी बताती थी कि हम लोग वहाँ गए थे. वो पता नहीं वो कहाँ रहते थे, बरेली वगैरह में कहीं रहते थे. वो बुजुर्ग जो थे ना, उन्होंने 7 हज पैदल किए थे. हमारी दादी बताती थी, भी बताती थी हमारी. तो वो हमारे दादा जी उनके मुरीद थे. तो मेरे बाप का नाम हामिद हुसैन था, तो उनके आगे वारसी लगता था. शाहिद हुसैन वारसी था. तो ये वारसी खानदान से हमारे दादाजी मुरीद थे. वालिद का मुझे नहीं मालूम कि वालिद वालदा थे कि नहीं, मगर दादाजी इसी वजह से उनका नाम के आगे वारसी लगाया जाता है. अहमद हुसैन नाम दादा का था, हामिद हुसैन मेरे वालिद का नाम, शाहिद हुसैन. मम्मी का नाम क्या था और दादी का नाम क्या था? मलका, मलका बेगम कहते थे दादी को. और बी का? फातिमा था. उनको कोई हमारी नानी और खालाएँ वगैरह वो सबसे छोटी थी ना. ये मेरी वालदा जो थी अपनी बहनों में छोटी थी, भाइयों सब में तो बहुत सब प्यार करते. तो वो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का नाम पे नाम है ना, तो वो सब उसके एहतराम की वजह से उनको गुलाम फातिमा या कनीज फातिमा कहते थे. डायरेक्ट फातिमा नाम नहीं लेते थे, एहतरामन के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का नाम चहेती बेटी थी. When and where were you when your parents passed away? आपकी अम्मी और अब्बा का इंतकाल हुआ तो आप कहाँ थी? अब्बा का इंतकाल हुआ था तो वो हुआ था इंडिया में. पहले हमारे दादा को हुआ था, फिर उसके बाद दादी का हुआ, फिर वालिद का हुआ. वो इंडिया में, तीनों का वहीं है. And when was this? How old were you? वालदा का तो यहीं पाकिस्तान में हुआ है. अम्मी कितने साल की थी आपकी वालिद के इंतकाल? मेरी शादी हो चुकी थी बेटा जब वालिद का इंतकाल हुआ था. और हमें खबर बड़े देर में पहुँची थी क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की जंग के बाद में खासे 65 की वॉर जो हुई थी उसके बाद हुआ था शायद. और जब वालिद मेरे आए थे तो मेरे एक दफ़े आए थे पाकिस्तान, तो उस वक्त भी मेरी शादी हो चुकी थी. मेरे बड़े बेटे शहजाद जो हैं वो और शायद शाहीन भी दोनों पैदा हो चुके थे जब हमें पापा आए थे ना. पापा कहते तो नहीं क्योंकि हम अपने वालिद को पापा कहते थे. तो लड़कियाँ जो हमारे साथ की थी ना, खेलती थी ना, हमारी सहेलियाँ गुइयाँ, तो वो कहती वो हमारा मेरा हमारा मजाक उड़ाती थी. हमारा हमारी बहन का तायरा पगा कहती थी पापा क्या होता, पापा तो वो होता चाय में खाते हैं. Why did they stay back
in India? Why were they not in Pakistan? No. मेरे वालिद हमारे दादा दादी आने नहीं चाहते थे पाकिस्तान, तो वो जाहिर है अपने माँ बाप की वजह से रुके थे, और दादी दादा ने ज़्यादा इंसिस करके उनको भेज दिया था हम लोगों को यहाँ पाकिस्तान. Who did you come here with? जी आपके किस किस साथ आई थी पाकिस्तान? पाकिस्तान में मेरी वालदा थी, मेरी माँ थी, और मेरे दो भाई वहीं रह गए थे, आफ्ताब और आरिफ. फिरोज थे मेरे भाई साथ मेरे, मेरी बड़ी बहन ताहिरा थी, मेरे भाई वो नजमुल हसन मुन्नू जिनको प्यार में कहते थे वो थे, और शाहिदा थी सबसे छोटी बहन. वो तो बहुत छोटी थी ना, साल दो साल की. तो हम आए थे, वो पासपोर्ट वगैरह कुछ चक्कर नहीं था, ये वो हम आए थे इधर से. एक दफ़े गए थे शायद बॉम्बे. बॉम्बे से पहले पानी जहाँ से लोग आते थे ना, जैसे तुम्हारे मेरा शौहर वगैरह और उनके मेरे वो ससुर वगैरह वो लोग आए थे, वो बॉम्बे से फिर पानी की जहाज से आए थे पाकिस्तान. ग्वालियर के रहने वाले हैं, तो वो बताते थे कि हम लोग तो पानी उससे आए थे शिप से, मगर हम लोग नहीं आ सके थे क्योंकि पासपोर्ट का बहुत चक्कर था. फिर हम लोग इधर से क्रॉस करके आए थे, ये मुनाबाद बॉर्डर होता है ना इंडिया पाकिस्तान का, उसके मुनाबाद और बाड़मेर पता नहीं कौन कौन से नाम थे वो जगहों के, वहाँ तारे वगैरह लगी थी मुझे अभी भी याद है, और तीती रेत होती थी उस पर हम लोग ज़मीन पर जाहिर है वहाँ पर, और जो हम लोग सामान लाए थे वो चारों तरफ लगा के और चादर ऊपर डाल के वहीं पर हम रहते थे. 10-15 दिन हम लोग वहीं रहे. फिर उस पास या पाकिस्तान से हफ्ते में एक दफ़े वो आती थी ट्रेन हैदराबाद से, पाकिस्तान का जो हैदराबाद है ना वो वहाँ का, वहाँ से जो ट्रेन आती थी एक हफ्ते में एक दफ़े वो लेके जाती थी. जितने भी लोग होते थे जो इंडिया से हिजरत करके जो आते थे, हिजरत करके कौ या उसके आते थे, तो वहाँ से लेके जाते, अभी भी याद है मुझे. तो वहाँ हम लोग सोते थे, वह भी वगैरह सब बिछा देती थी. इतना ख़राब खाना वहाँ के होटलों का मिलता था, पका सकते नहीं थे, रेत ही रेत होती थी चारों तरफ, बस रेत थे ना जो हाँ वो थर का इलाका जो करा था वो मुनाबाद बाड़मेर वो ये छोटे छोटे गांव थे वहाँ के, तो वहाँ के लोग खाने पका के लाते थे, तो हम लोग उस खाए नहीं जाते थे. ख़राब कहना जाए रोटियाँ और वो सालन जो भी होता था मजबूरी खाने पड़ते थे, क्योंकि पका तो सकते नहीं थे, कोई होटल वोटल का सवाल ही पैदा नहीं होता था उस जमाने में. तो पाकिस्तान नया नया बना था, और इंडिया पाकिस्तान पहले तो वो अब तो खैर वो जब हम आए थे तो उस जमाने में तो हमारे जो वालिद के जो खालू थे ना वो हम लोगों को वहाँ तक छोड़ के गए थे जब इंडिया का बॉर्डर ख़त्म होता है, वहाँ तक वो आए थे साथ भेजा था हमारी दादी ने उनको अपने बहनोई को, हीरो का किले जा रहे हैं ना, जाहिर है मेरी माँ थी और हमें बच्चे ही थे सब. तो हमारे खालू वालिद के जो खालू थे हम भी उनको खालू कहते थे, और उन्होंने मेरे भाई आफ्ताब को भी पाला था, रखा था अपने पास, उनकी औलाद नहीं थी. तो वो आए थे छोड़ने के लिए, तो उसके बाद जब हम इस क्रॉस करके वो जो लगे पाकिस्तान का बॉर्डर इंडिया का बॉर्डर क्रॉस के पाकिस्तान के बॉर्डर में आ गए थे ना, तो फिर वहाँ से वापस चले गए थे. फिर हम लोगों को अकेले आना पड़ा था, फिर हम हैदराबाद आए, फिर हैदराबाद से कराची आए, फिर कराची में हमारे यहाँ पर ये मामू खाला वगैरह रहते थे, उनके साथ ही हम लोग इसके हम लोग रहने लगे. कराची में हमने वो जाहिर है पहले जो जहाँ पर जंग का वो है ना वहीं पर वो जगह थी, वहीं हमारे मामू खाला ठहरे हुए थे. बल्कि उन लोगों ने जो वो आए थे 47 के वहाँ से, वो तो बिल्कुल अपने कपड़ों से आए थे वहाँ से, बताते थे हमारे खाला बताती थी, माँ बताते थे, नानी का इंतकाल हो चुका था हमारी, तो वो हमारी भी बहुत होती नहीं कहती थी मैं अपनी माँ से मिलूँगी, माँ को पता ही नहीं था. वो वहाँ 47 की जंग में वो हैं भी है, उनको मार दिया गया, क्योंकि वहाँ पर जो हिंदू थे ना सिर्फ वो घरों में घुस घुस के सारे औरतों मर्दों कतल करते थे, तो सामान वगैरह लूट के ले जाते थे. तो ये सिर्फ कपड़े जो बदन पे थे उनके, वो ना उनके पास पैसा था ना जेवर, कुछ भी लेके नहीं आए थे वो पाकिस्तान. वो लोग बताते हैं हम लोग उसमें आए थे, वो जिसमें ट्रेन में माल मालगाड़ी कहलाती थी ना पहले, उसमें जो सामान जाता है इधर से उधर,
मैं अभी होती हूँ ट्रेन वहाँ चलती जिसमें सामान होता है शहर से दूसरे शहर, उसमें आए थे बेचारे ये लोग और इतने डरे हुए थे। जाहिर है जहाँ भी स्टेशन में वो ट्रेन रुकती थी ना वहाँ पे वो हिंदू और सिख आ जाते थे, वो लेके पहले वो तलवारें चलती थी ना तो वो उस लेके आ जाते थे, बताती थी ना मेरी वालदा। How did your parents pass away? आपके माँ बाप किस तरह इंतकाल हुआ? मेरे वालिद का भी वहाँ पर बीमार थे इंतकाल हुआ था, वालदा का भी यहाँ कराची में हुआ था इंतकाल, बीमार थी बहुत काफ़ी, हॉस्पिटल में एडमिट रही। What is the most important lesson your parents taught you? कौन सा आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट किस्म का जो वो है सबक है वो आपके माँ बाप ने आपको दिया था? यही है कि बेटा सबसे मोहब्बत करना और इज्जत आराम करना। कभी किसी से वो जैसे होता हमारी वालदा ने हमारी शादी हुई थी ये कहा था बेटा अब तो विदा होकर जा रही है वहाँ से मर के निकलना, जैसे इस तरह से पहले ज़माने में ये कहा जाता था डोली पे बैठ के जाती थी दुल्हन, डोली में जा रही हो ना तो कटोली में जाना, फिर वो पलंग होते थे वहाँ इंडिया में तो पलंग होते थे, जब किसी का इंतकाल होता था तो पलंग पर जाता था। अब तो ये चीज़ें बन गई हैं ना जैसे पाकिस्तान में पलंग तो खटोली कहते थे, उसे खटोली भी कहते थे, छोटे होते थे तो खटोली कहते थे, बड़े होते थे पलंग, इस पर रात को हम लोग सोते थे पास इंडिया में, सबके अलग अलग होते थे, पूरा बड़ा सा सहन था उसमें बिछते थे उस पर चार दरिए बिछाते थे हम लोग या सर्दियों में गद्दे बिछाते थे फिर चादर बिछाते थे उस पर समय फिर सोते थे और बहुत अच्छा लगता था। वो ज़माने तो बेटा याद आते हैं और वो सर्दियों में वो अंदर अपने कमरों में सोते थे हम लोग, यही कहा था हमारे वालिद तो हमारे तो हम छोटे से आ गए थे ना तो हमें ज़्यादा वो वालिद तो हमसे ज़्यादा बात बात भी नहीं करते थे, पहले ज़माने में ये होता था ना लड़कियों से या लड़कों से ज़्यादा बात कहाँ करते थे हम उनके हाँ हमारे दादाजी हमें हर बात करते रहते थे हर चीज़ में, हमारी दादी कहती थी नहीं पढ़ो कुरान पढ़ो वो स्कूल में दाखिल एडमिशन कराना ये करना दाखिला कराना, तायरा अबा मैं या फिरोज आफ्ताब तो वहीं से पढ़ के आए थे हमारे भाई, मैं आफ्ताब और आरिफ ने वहीं पढ़ा था, वो रह गए थे उनके पास दादी के दादा के पास वालिद के पास, हमारी दादी ने रोक लिया था दोनों को, वो बहुत बाद में आए दोनों भाई। आफ्ताब ने तो वहाँ मैट्रिक किया था पहली पोजिशन ली थी पूरे टाबा में, अगर एक हिंदू लड़के की उससे उनको एक नंबर कम करके उनको सेकंड कर दिया था। हिंदू मुस्लिम का वो चल रहा था ना तो माशाल्लाह वो और मालूम है क्या करते थे इनके पास इतना हम लोग बाद में हो गया था हमारे दादा हमारे का इंतकाल हो गया था उस पर हमारे दादा की जायदादा की वगैरह जो चीज़ें थी ना सब उनके भाइयों ने कर दिया था उस पर कब्जा समझ। हमारे वाले जॉब करते थे छोटी मोटी पढ़े हुए थे वो भी मुंशी फाजिल थे खैर चाचा तो मेरे लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं वहाँ पे उन्होंने ग्रेजुएशन की थी बीए बीएससी पहले बीए बहुत होता था बस फिर वहाँ से बुढ़ा एक पाकिस्तान आ गए थे जब शादी पहले हमारी दादी ने शादी की थी उनकी वहाँ इंडिया में फिर तो उसके बाद उन्होंने अपने पसंद की पाकिस्तान आ गए। How did you meet Nana Abu? What was your marriage proposal like? Ammi Abu se kaise mulaqat hui thi aur kaise unhone shaadi ki hui thi? Abu se is tarah se meri mulaqat hui thi. Meri mulaqat hui jab hamare pehle se safari paida nahi hota tha. Main dekha bhi nahi tha. Na maine dekha tha na unhone mujhe dekha tha kabhi. Wo to zahir hai ki कुछ लोग मेरे मामू के पास आते रहते थे ऐसे ही वो था ना उनका मामू का जो करते थे वो उसकी वजह से क्या करते थे मामू हकीम करते थे ना दवाएं वाएं देते थे बड़े मामू ओके तो उस बार लोग आते थे दूर दूर से आते थे फायदा जिसको होता था एक दूसरे को बता के तो लोग आते थे उनमें से आती थी एक साहिबा उस बार में वहाँ ये वहाँ रहते थे ये लोग काजी में लिया था बाद में एक साहिबा आती थी वो हमारे ये सुल्तान साहब की वो थी वो मानी
उनका मामू जो थे उनके मामू की वाइफ बीवी उनका उर्मा फजल नापा नाम था उनका मामू का रख के मामू नाम था लड़की दोनों सब हो गई वो आती थी ना उन्होंने उन्होंने हमारे मुझे देखा था वो मामू पास आती थी अपने काम के लिए फिर फोटोग्राफी आई फिर देखा उन्होंने तो फिर उसके बाद वो व्यापार हमारी जो सास थी वो लड़का उनके लिए लड़की देख रही होंगी वहाँ पर अपने जहाँ जहाँ भी होगा जिसे से कहा होगा पता नहीं मुझे तो फिर उन्होंने बताया जाकर कि मैंने एक बड़ी अच्छी लड़की देखी है अगर तुम चलो मैं तुम्हें दिखाऊँ फिर उसके बाद हमारी जो थी ना छोड़ो बहुत लंबी बता हुआ है स्टोरी हमारी शादी की बहुत बड़ी स्टोरी है ये मेरा नेक्स्ट सवाल है वेयर वाज योर वेडिंग कैन यू टेल मी अबाउट इट हाँ आपकी शादी कहाँ हुई थी और क्या कहानी है कहानी नहीं वो शादी तो मेरी वहीं पर हुई थी मामू मामू खालाओं ने करी थी वालिद तो इंडिया में थे उन लोगों ने बुलाए थे और वालदा थी मेरी वहीं हुई थी वो शादी कोई ऐसा हुआ हॉल वॉल की उस जमाने में कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं था बेटा तो वो तो एक हमारे जाने वाले थे ना वो रेलवे स्टेशन रेलवे लाइन थी ना उसके पास सिटी स्टेशन कहलाता था उसके पास ही वो पीछे तब रहते थे बहुत दोस्ती थी बीबी और मामू वगैरह उनका बहुत ख्याल करते थे तो उनके घर से शादी हुई थी मेरी वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे वो पहले मामू वगैरह झोपड़ी टाइप के कच्चे मकानों में जैसे था उन्होंने बना लिए थे जब जाके कुछ गए शुरू में जब आए थे पाकिस्तान तो उनको पैसे ही नहीं था उनके पास नौकरी चाकरी भी नहीं मिल रही थी पाकिस्तान में क्योंकि वो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे तो उनके पास तो इन लोगों ने कहा होगा कि ऐसी जगह शादी कर दो जहाँ पे पूछो तो उनका मकान मकान अच्छा था तो वहाँ से शादी उस मकान से मेरी शादी हुई Tell me about Nanabu. How was he like in his younger years? अबू कैसे थे जब यंग थे जवान थे आपके साथ शादी माशाल्लाह मेरी शादी के बाद हाँ शादी के बाद जब अभी इस वक्त मिली थी ना हाँ नहीं नहीं वहाँ पे जब पहले अपनी डेट कर रहे जब वो याद करके शक्ल याद नहीं है जब वो आए थे मिलने के लिए एक दफ़े आए थे ना पाकिस्तान उसके बाद नहीं आए वो तो उनके साथ वो खालू भी थे उनके वो आए थे और आफ्ताब और आरिफ दोनों चारों चार आए थे बंदे तो आफ्ताब तो ये रुक गए थे उनका अलग पासपोर्ट था खालू का भी वो भी चले गए वापस हमारे वालिद जो थे पापा हमारे उनके साथ हमारे छोटे भाई आरिफ उनका वो उनके साथ उनका नाम पहलवान भी होता था छोटे बच्चे जो होते थे पति कितने साल की उम्र तक कुछ था कुछ वो तो वो उनके साथ था उनका पासपोर्ट में नाम बाहर लिखा हुआ था वाला नहीं पासपोर्ट बनता था पहले जैसे अब बनने लगा सबका अलग अलग पासपोर्ट नहीं कुछ एज का था आफ्ताब माशाल्लाह उस एज में थे उनका पासपोर्ट बनाता था तो वो रुक गए थे पाकिस्तान क्या अम्मी की वो अब्बू की क्या मेमोरीज हैं आपकी जब वो आए थे तो आपसे क्या मेरे भाई बहुत सीधे थे बहुत कम बात करते थे ना बीवी से ना बच्चों से अपने ज़्यादा नहीं नहीं आपके अब्बू नहीं नाना अब्बू अम्मी आपके मियाँ सुल्तान अहमद सिद्दीकी हमारे अब्बू तुम्हारे अब्बू तो ये हो ना शोहर या मैंने कहा मेरे नाना अब्बू अच्छा अच्छा तो वो कैसे थे जब वो शादी के लिए आए थे मिलने के लिए आपसे या फिर शादी के बाद किस तरह थे शादी से पहले उन्होंने बहुत कहा था कि मेरी मुझे दिखा दो ये कर दो उन्होंने बहुत कोशिश करी मगर नहीं कोई ऐसा मसला पड़ा क्योंकि हमारे बड़े मामू जो थे वो ज़रा मजहबी टाइप थे वो भी बहुत मेरे दोनों मामू बुरखा पहन के मैं स्कूल जाती थी जिस एक लड़की जाती थी उसके साथ जाती थी क्योंकि पहले जाते थे पहले इतना वो नहीं था ना स्कूल ज़्यादा दूर भी नहीं था अभी भी था जब तक वो मामू हमारे साथ साथ जाते थे पीछे पीछे कहते थे मुझे मालूम है मुन्नी कहते थे ना पहले तो मुझे मैं भी सब प्यार मुन्नी 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 भी तो वो मुझसे कहते थे तुम्हें पता है फातिमा तुम्हारी जो बेटी जाती पढ़ने स्कूल तो वो मैं उसके पीछे पीछे जाता हूँ उसके घर वहाँ तक स्कूल तक कहने को मेरी एक दोस्त साथ जाती थी वो भी मेरे साथ जाती थी थोड़ी दूर में वो रहती थी हमारे घर से वो निकलती थी अपने घर से फिर मैं निकलती थी हम दोनों साथ मिल जाते थे मगर हमारे मामू बड़े मामू जो थे ना वो मेरे साथ बताते थे उनको कि मैं पीछे पीछे उसको छोड़ने जाता हूँ और जब ये ऊपर चली आती ऊपर का स्कूल था हमारा वहाँ का तो वो उस
स्कूल में तो हम ऊपर चले जाते थे, उसके बाद हम वहाँ जाके बुरखा उतारते थे अपना, तो फिर वो वापस चले जाते थे। फिर वो टाइम उन्हें मालूम था कि अब छुट्टी होगी, फिर जाके वो खड़े हो जाते थे। मगर वो मुझे नहीं पता होता था कि वो मामू आ रहे हैं। एक दफ़ा उन्होंने मीरे मुझसे कहा था ऐसे समझाने के तौर पर, हमारी वालदा ने, तुम्हें कुछ खबर है, सीधे जाना, सीधे आना घर वापस। मैंने कहा क्यों, खैरियत बस सीधे जाती हूँ। सीधा कहने लगे तुम्हारे मामू जो है ना तुम्हारे पीछे तुम्हें छोड़ने जाते हैं और लेने जाते हैं। मैंने कहा हाँ, मैं तो वैसे रह गई इक्का पक्का जो समझो, मेरे हंसा दिल होने लगा। और मैं बहुत मैं वैसी हूँ ना, मुझे कमज़ोर दिल की मैं दिल लगा हुआ हो गया, परेशान सी हो गई मैं बिल्कुल। तो कहने लगी बी हमारी बी ने तो शिकार था, कहने देखो सीधी जाना सीधी आना, ये नहीं कि ज़रा दोस्तों के साथ चली गई, लड़कियों के साथ साइडियों के साथ घर चली गई, ये करा उस लड़की करती थी ना, हमारी दोस्त से कह थी बहुत सी लड़की क्लास की ये जो अपने फ्रेंड के घर जाती हैं करती थी। कहने तुम्हारे मामू तुम्हारे मेरे फरिश्तों को भी इल्म नहीं कि मामू मुझे छोड़ने आ रहे हैं, लेने आ रहे हैं रोज़ाना। अबू के बारे में बताएं या नाना अबू के बारे में बताएं? नाना अबू रहा वो क्या बताऊँ मैं, जाहिर है उन्होंने शादी हो गई थी। उसके बाद लगते थे आपको कैसे थे दीवानी में? बहुत खूबसूरत थे, बहुत सीनाब भी थे, बहुत दीवाने थे। हाँ देवान थे और बहुत गुस्से करते थे, ख्याल रखते थे, बहुत मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे हमेशा अपना मेरा बहुत ख्याल रखे। जब उन्होंने ये कहा था उन लोगों, हमारी बी ने कहा था कि भाई इसको पढ़ने का शौक है, इसकी पढ़ाई उस जमाने में सात आठवीं क्लास में थी मैं जब शादी हुई थी, तो उन्होंने कहा था इसको पढ़ने का शौक है, कम से कम उन्होंने मैट्रिक तो बहुत गर्म हो जाता था, मैट्रिक करा देना। तो उन्होंने तुम्हारे नाना अबू ने हमें सुल्तान साहब ने मुझे उस पर एडमिशन करा दिया, तो साहब ने अपा स्कूल था, अपा अभी भी है ना, उसकी कॉलेज भी है उसका और स्कूल भी है, इन्होंने भी पढ़ा हमारी बच्ची उन्हें भी वहाँ पर शाहिद नहीं पढ़ाया अपा में घुमाने ले जाते थे, कभी जाते थे जॉइंट फैमिली में रहना होता था ना तो बहुत कम होता था, चले आते थे पिक्चर वगैरह भी दिखाने ले आते थे और वो करने। What is a favorite mem? Go ahead. वो चाहते थे कि मैं जैसे मैं चाहता हूँ, मैं स्मार्ट जैसे रहे बहुत ज़्यादा। अम्मी को मॉडर्न चाहते थे। बहुत ज़्यादा। मगर वो मॉडर्न स्कॉटी। अभी भी कराची में भी अभी भी उस नंबर से कह रहे थे इनके बाल कलर करवा दो, बाल कटवा दो। मुझे इतना शौक नहीं था बहुत ज्यादा वो मॉडर्न बनने का वो करने का, क्योंकि मैं उस माहौल में पढ़ी नहीं थी ना, क्योंकि मेरा माहौल था इंडिया का भी और पाकिस्तान में भी, जो मैं अपने मामू खालाओं के साथ रही थी यहाँ से मेरी शादी हुई थी, तो वो लोग तो मुझे ऐसा रखते थे जैसे वो होता था बिल्कुल, मेरी माँ भी हर वक्त एहसास होती थी ये करना वो करना, क्योंकि मेरी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, वो जब उनकी तो इंडिया में शादी हो गई थी, पाकिस्तान आ गई थी वो हम लोगों के साथ और उनके हस्बैंड जाना बॉम्बे में होते थे, मगर मैं बीच की थी समझे यंग थी और वो छोटी बहन तो बहुत छोटी थी दो ढाई तीन साल की, तो मेरे पे सबकी नज़रें रहती थी ज़्यादा, क्योंकि वो ये खुदा ना करे ये कितने कहीं दौर सहेली के चले जाए और कुछ हो जाए, तो उस जमाने में भी थोड़ा बहुत होता था ना ये चीज़ें, पाकिस्तान में भी होने लगी थी ना, तो हमें तो बिल्कुल ऐसा रखा जाता था लड़कियों को कि वो दुपट्टा सर से नहीं उतरेगा आपके, और जब हर वक्त दुपट्टा उड़ता रहना ना घर में भी, मामू दो मामू होते थे मेरे, उनके बी बच्चे भी थे, एक खाला थी एक खाला की बेटी बस, और हम लोग होते थे मैं और मेरी वालदा और मेरी बड़ी बहन छोटी बहन और भाई, आफ्ताब भी रहे हमारे साथ, फिरोज भी रहे, फिर आरिफ आखिर में आए बहुत, और वो वालिब है भाई नजमुल हसन जिनका नाम मुन्नू था, वो भी हमारे। What is the most memorable moment, one moment
that you want to share about Nana Abu? कौन सा एक ऐसा वो है याददाश्त आपकी अच्छी याददाश्त अब्बू के साथ आपके शॉर्ट के साथ जस्ट वन एक सबसे जो मेमोरेबल है जो आपको हमेशा याद रहती है उन्होंने किया ऐसा कुछ आप और अब्बू ने बहुत सारी चीज़ें थी अब तो बेटा भूल भी गए कोई खास याद है कोई कोई उन्होंने ऐसी चीज़ की हो आपके लिए कोई स्पेशल गिफ्ट लेके आए अभी हम लोग वहाँ गए थे ना एक दफ़े पिकनिक पे तो वहाँ पे हमने और उन्होंने बैठ के पिक्चर बनवाई थी ना वो बहुत बहुत उस वक्त अच्छा लग रहा था मुझको भी और उनको भी बहुत कब की बात है कब की बात है जब मेरे ख्याल से आफ्ताब की शादी हुई थी ना आफ्ताब के साल वालों ने दावत की थी हम लोगों को तो वो गड़ानी बीच ले गए थे वहाँ पे वो बहुत बड़ा फॉर्म हाउस था उनका आफ्ताब के साल वालों का तो वहाँ पे मैंने वहाँ पे हमें और उनको हम लोग सबको इनवाइट किया हमारे करके हम सब बहन भाई और जैसे हमारी बी वगैरह सब मगर वो लोग कोई नहीं गए सिर्फ वो आफ्ताब ने कहा कि बुरी बात है भाईजान भाजी आप ही चल मेरे साल वाले क्या कहेंगे क्या आप लोग कोई भी नहीं आया वहाँ पे हम लोग की पिक्चर बनाई थी हम दोनों एक उसमें बैठे हुए थे पत्थर पे बातें कर रहे थे हंस रहे थे तो वो बता नहीं किसने पिक्चर बनाई थी बहुत अच्छी बनी थी पिक्चर अभी भी है किसी नहीं मेरे ख्याल से तो नहीं आफ्ताब आफ्ताब ने बनाई थी पिक्चर या उनके जो सारे गए थे ससुराल वाले उनके फैमिली मेम्बर नौशाबा के उनमें से किसी ने बनाई थी पिक्चर साल हम लोग गए थे पिकनिक पर वो समझो पहली पिकनिक थी हमारी क्यों तो पहले कौन सा भी था पिकनिक वगैरह का How can I describe Nana Abu to my children? What do you want me to tell them? वो कह रहे हैं कि आप किस तरह बताएंगे कि अगर हमजा को अपने बच्चों को बताना हो कि अबू हमारे मेरे किस तरह के आदमी थे कैसे थे किस तरह तुम्हारे नाना अबू बहुत अच्छे इंसान थे बहुत मुखलिस मोहब्बत करने वाले पढ़े लिखे भी थे और क्वालिफाइड थे सब हर बात में उनका वो था और नाना हर चीज़ ख्याल रखना अपनी बहनों का माँ का पूरे ख़ानदान वालों का इस तरह उनके वालिद भी ऐसी रखते थे सब वो भी Do you remember the first time you saw a TV, a plane, a car, a refrigerator? आपने पहली दफा टीवी हमारे घर में आया था सबसे पहले जो रेडियो आया था हमारे घर में जब हम शादी हो गए थे तो रेडियो वगैरह कुछ नहीं होता था किसी के पास भी कराची में उस जमाने में तो पहले हम तुम्हारे नाना अबू रेडियो लेके आए थे गाने वाने सुनते थे हम लोग इंडिया के होते थे ज़्यादातर टीवी भी हमारे घर पहले आया था ब्लैक एंड वाइट तो मेरे भाई बहनें वगैरह जो थी तो उनको अगर देखना होता था ना तो हमारे घर ही रात आ जाते थे मेरी सारी वो अबू की बहनें हमारे पास नाना अबू की बहनें कार हाँ गाड़ी भी पहले हमारे नाना अबू ने ली थी अपनी फैमिली में आपने चलाई नहीं वो चलाते थे बहुत पहले गाड़ी हमारे घर आई थी पहले टीवी भी रेडियो भी आया था सबसे पहले हमारे घर और वो टीवी पहले आया था ब्लैक एंड वाइट था पहले Tell me about the day my mother was born. ये अम्मी पहले यासमीन बाजी पैदा हुई थी कैसी हुई थी यासमीन बाजी तो मैं बहुत अच्छी पैदा हुई थी मगर बीमार बहुत होती थी एक दफ़े इतनी बीमार पड़ी थी इतनी अच्छी खूबसूरत हुई नहीं मगर इनको इतना तेज़ बुखार हुआ था पैदाइश के बाद मेरी वालदा मेरे साथ होती थी हॉस्पिटल में उसकी पैदाइश हुई थी फिर भी इतने इसको तेज़ बुखार चढ़ा था और इसको सफ़ेद तो होती थी ना बिल्कुल एकदम बिल्कुल वो नीली पड़ गई थी फिर वो सिस्टर डॉक्टर लेके भागी थी इनको वहाँ पर लेबर रूम में
वहाँ पे इसको उसको पूरे कपड़े फेंक, हमारी बीज होती थी ना अल्लाह से, तो वो तो और स्वेटर और ये वो और लपेट लपेट के बुखार हो रहा है इसको, बच्ची को बुखार हो रहा है, बुखार कर रही थी। और वो सिस्टर को आई बनी मुझे चेक करने के लिए, और बच्चे को आती थी डेढ़ दो दफ़ा दिन में, तो उसने जगह नहीं, ये क्या कर रही है अब, ये बच्ची तो मर जाएगी। वो लेके भागी वहाँ पे, और लेबर रूम में डॉक्टर आ गई, वो आ गई, तो सारे कपड़े उतार के फेंक के बी चली गई इनके पीछे पीछे, बैठ जा नहीं सकती थी, उठ नहीं सकती थी। तो वो बी ने जाके वहाँ खड़ी हुई, कह रही हो आए मुन्नी मुन्नी, उससे बस बच्ची सारे कपड़े उतार के फेंक दिए, और उसको बर्फ़ की पट्टी रख रहे हैं उसके सर पे, पूरे बदन में बर्फ़ फेर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और मैं इधर रो रही, लारो कतार बैठी रो रही, अरे मेरी बच्ची को उतार रहे हैं। वैसे बीमारी बहुत पड़ी थी, एक शराब और ये इनको भी एक दफ़ा और बहुत बीमार पड़ी थी। फिर मैं रोती पीटी अपनी बीक वाले गई थी वहाँ पर घर, डॉक्टर से दिखा के और इंजेक्शन वगैरह लगाते थे हमारे इनके दादा थे ना। How many children do you have? जी कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 9 बच्चे हैं। What are their names? मेरे सबसे बड़े बेटे का नाम शहजाद सुल्तान, फिर उससे छोटी बेटी शाइन, आसिफ, और फिर नाहिद कुरैशी, फिर उनके हस्बैंड कुरैशी थे नाहिद, और फिर उसके बाद बोले यास्मीन मसूद क्या आगे क्या नेम लगाती हैं, मसूद लगाती हैं, अली हाँ। तो उसके बाद जावेद सुल्तान, आमिर सुल्तान, फिर नौरीन सुल्तान, अब तो नौरीन फहीम हो गई हो, फिर उसके बाद सूबिया बासित, फिर उसके बाद नौमान सुल्तान, What are some silly things my mom did in her youth? जब यासमीन भाई छोटी थी ना, उन्होंने कौन सी ऐसी बेवकूफ़ाना चीज़ें की थी और अच्छी चीज़ें की थी? अच्छी चीज़ें ये होती थी कि भाई ये था आपस में बहने वो यासमीन यासमीन की ज़्यादा नहीं बनती थी, नाइज के साथ सबसे बहुत रहता था। यासमीन भाई की अभी तक नहीं बनती और बहुत ज़्यादा देर से मोहब्बत करती हैं, वैसे ही दोनों आपस में देख लिया ना, तो वैसे ऊपर से होता है इनका, मगर दिल में नहीं, सबसे अपने अलग थलग वो कराती थी। यासमीन जी की कौन सी ऐसी मेमोरी आपको याद है? मेमोरी तो बच्चों में किसी की भी याद नहीं है, दो के सवा इधर जावेद ने वो छोटा पैसा चलता था ना वो निकल गया था, वो उसकी बहुत वो हम लोग परेशान हुए थे उसके पीछे, और एक दफ़े वो हाथ जला लिया था उन्होंने जावेद ने। यासमीन जी ने ऐसा क्या किया था कुछ याद है? यासमीन भाई ने तो कुछ ऐसा नहीं किया था, कुछ याद ही ना। यासमीन का शाइन का ये था कि वो सफाई फाई बहुत करती थी, तो और बहुत ज़्यादा वो सब सर्व करती थी बस। यासमीन ने तो कुछ याद नहीं ना। यासमीन भाई को जो दादा जो पसंद करते थे यासमीन भाई? हाँ वो तो भूल ही गए, उनके दादा बहुत पसंद करते थे इनको, इनको और एक सूबिया को और जावेद को, तीन हमें पता जावेद तो यासमीन रोजाना हमारा होटल था ना हमारे ससुर का, इनके दादा का रेस्टोरेंट खोला था उन्होंने, अब तुम्हारे नाना अबू ने और उनके अबू ने मिल के लियाकताबाद में आप, तो वो रेस्टोरेंट जब बंद होकर रात को आते थे ना वो वहाँ से, तो वो एक केक होता था, केक रस कहलाता था वो, होता टिश्यू में लपेट के हाथ पर लेके आते थे, सिर्फ इनके लिए यासमीन के लिए और किसी बच्चे के लिए नहीं। 9 या 10 टेबल थे वहाँ, नदीम भी थे ना, नदीम लाए रह गए हमारे साथ, हम फैमिली रहती थी, नदीम तो लाहिर उन्हीं के बेटे थे, और उनके लिए नहीं ज़्यादा लाते थे तो क्यों, ये तो उनके ज़्यादा था फेवरेट। अच्छा यासमीन से इतना प्यार करते थे वो नहीं, और किसी बहन के लिए शाहीन या नाहिद या नौरीन या सूबिया, सूबिया के बाद ही इंतकाल हुआ है उनका शाहीन बाबू का, नौरीन से सुरेश प्यार करते थे वो पानदा छालियाँ बहुत खाती थी ना, तो वो उसको जिसके लिए छोटा पानदा ला के दिया था उसको,
You have 9 children. What is the best part about being a mother? आपके अम्मी के 9 बच्चे हैं आपके, आपको कौन सा अच्छा लगता था अम्मा होने के? माँ के नाते तो माँ को सब बच्चे अच्छे लगते हैं। नहीं, कौन सी अच्छी चीज़ लगती थी अम्मा होने में 9 बच्चों के साथ? बच्चों की चीज़ लगी, अपनी चीज़। आपको कैसा फील होता था? बहुत अच्छा फील होता था, जाहिर है। अल्लाह ने दिया, अल्लाह का शुक्र एहसान। सबसे बच्चों से प्यार है, शौहर से बहुत प्यार था और बच्चों से सबसे प्यार है और अभी तक है। सबसे ज़्यादा किससे प्यार था? नहीं नहीं, ये गलत बात है। ये गलत बात है, मुझे अपने 9 बच्चों से, 4 बेटे 5 बेटियों से बहुत प्यार है। और फिर जो मेरे दामाद हैं, बहुएं हैं, नवासा नवासी हैं, पोते हैं, पर नवासी भी हैं मेरी 4। Being that you have 9 children, what advice would you give new parents? आपके 9 बच्चे होने की वजह से आप क्या मशवरा देंगी हमजा को या दूसरे जो लोग बच्चे शादी करेंगे या बच्चे पैदा करेंगे? ये है कि अपने बीवी का और बच्चों का बहुत ख्याल रखो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी तरबियत दो, मज़हब की भी तरबियत। ये नहीं कि आप सिर्फ वो तो डिग्री है तो आप पास करने करवा लेंगे अपने बच्चों को, डॉक्टर इंजीनियर और आप बनाएँ जो भी चाहे वकील और ये वो, मगर उसके साथ मज़हब की तरफ भी उनको बहुत तवज्जो। मेरा ये मशवरा है अपने नवासों से, नवासियों से और पोतों से, We're almost done, don't worry. मज़हब की तरफ भी रुझान रखें बहुत। ये नहीं कुरान, जब नमाज, रोज़ा, कुरान, इसके लिए मैं तो हर नमाज में भी अपने सबके नाम लेके कहती हूँ कि अल्लाह ताला इनको 5 वक्त नमाजी बना दें, इनको कुरान पाक से जोड़ दें। What made you approve my father for my mother? आपने मसूद भाई को क्यों क्यों चुना था यासीन भाई के लिए एज ए हस्बैंड? अच्छे शरीफ लोग थे, जाहिर खानदानी लोग थे, जाहिर आप तो ये चाहते थे ना हमें कि जो भी हमारे दामाद हों, हमें कोई पैसा हो उसकी इज्जत दी थी, ये चाहते थे इज्जत मोहब्बत हो हमारे बच्चों से वो रखे खुशहाल। मसूदी फैमिली माशाल्लाह बहुत अच्छे थे वो लोग सब, माँ बहनें, वालिद तो नहीं थे इनके। Tell me about the first day we met each other. Tell me about the first day we met each other. You and जब ये पैदा पहली दफ़ा हमजा से मिली थी तो आपका क्या रिएक्शन था, कैसा लगे थे? अजीब से लगे थे, अच्छे लगे थे? माशाल्लाह बहुत प्यारे लगे थे। सबसे ज़्यादा तो यही मुझसे प्यार करता था, मैं भी उससे करती थी पहली दफ़ा जब आई थी। वो कहते यार ये तो अमेरिका में पैदा हुए थे ना, इनकी एक बहन थी वो हुई थी पाकिस्तान में, मगर हमने उसको देख भी नहीं सके बेचारी को। ये तो हम गए थे दोनों में, ये तो अमेरिका में पैदा हुए थे लेकिन फर्स्ट टाइम जब आए थे तो जाहिर है माशाल्लाह तुम दोनों, तो याद है छोटे से थे जब तुम कमरे में नमाज पढ़ती थी तो मेरे यहाँ पे अभी तक याद है, और जब मैं जा रही थी वापस सब पाकिस्तान तो अभी तक मुझे याद है तुम्हारा वो चेहरा मेरे आँखों में फिरता है। तुम सबसे ज़्यादा दार कोता रो रहे थे, ना आमिर रो रहे थे, ना जावेद रो रहे थे, ना यास्मीन, ना शाहीन, कोई नहीं, सिर्फ तुम तिवाइत जो रो रहे थे। अभी तक मुझे वो याद है, हम लोग सब बैठे हुए थे, ये जारो करार हो रहा था, ये ना हैदर भी नहीं हो रहा था, यास्मीन What makes you the happiest? आपको कौन सी चीज़ से ज़्यादा खुशी होती है? मुझे ये देख के खुशी होती है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के आपस में मोहब्बत से रहें और पढ़ के लिख के बड़े आदमी बने, और फिर मज़हब की तरफ भी रुझान रहे उनका, नमाज, रोज़ा, कुरान। वो मेरे वो बेटे हों, पोते हों, नवासी हों, नवासी हों, बहुएं हों, दामाद हों। Do you have any regrets? आपको कोई अफसोस है किस चीज़ का जिंदगी के अंदर कि ये चीज़ करती या ये चीज़ हो जाती या ये हो जाता? मैं ये चाहती थी कि मेरे बच्चे हैं ना पढ़ लिख के बहुत बड़े और दो फाइव हो जाए मेरे सामने, 4 बेटे और 5 बेटी हैं, अभी तक दुआएं करती हूँ इसके लिए। तो भांजो भतीजों की भांजे नहीं भांजे नहीं नवासे 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 और पोता पोती, हाँ वो भी माशाल्लाह उनको भी अल्लाह ताला बहुत
is there anything you can tell us about our family tree that we don't already know? आप कुछ बता सकती हैं कि कि हमारा जो है कहाँ तक जाता है पीछे, जैसे कि आप हम जैसे आप वारसी हैं तो अब्बू का जो था आपको मालूम है, याद है? हमारे मेरे शौहर जो थे ना वो तो ग्वालियर से होते थे, और वो कहाँ से आए थे, उनके हस्बैंड उनके जो थे वालिद वगैरह वहीं के थे, ग्वालियर में होते थे। मेरे ससुर थे वो ग्वालियर के अंदर वो वकील होते थे, दादा थे ना जो और उनके वाले तो भी वहाँ पे जो हिंदू फैमिली होती थी वहाँ पे वहाँ पे जॉब करते थे महारानी के पास, यानी जो किंग था ना जो ग्वालियर का किंग था ना, हिंदू था, हिंदू महाराजा कहलाता महारानी, तो वहाँ इनके दादा के जो वालिद थे ना वो वहाँ पे जॉब करते थे, उनके वहाँ नौकरी करते थे, उसकी जैसे वहाँ के महारानी महाराजा जो उनसे उनकी सब चीज़ों की देखभाल करना करना के सुपरवाइज क्या कह मैनेजर वगैरह जो कुछ भी कहे। If you could change one thing about your life, what would it be? आप अगर चाहेंगी तो अपनी जिंदगी के बारे में कोई एक चीज बदल के हो जाए जो आप सोचती होंगे शायद इस तरह हो जाता तो सही था या इस तरह हो जाता तो सही था? नहीं, अल्लाह को कम से और माशाल्लाह मैं अपनी जिंदगी से मुतमईन हूँ। मेरा बचपन भी अच्छा गुजरा, जवानी भी, शादी के बाद भी मुझे कोई वो परेशानियाँ वो तो होती रहती मगर मैं उसको वो नहीं होती थी कब ऐसा हो जाता है ऐसा था। मैं अल्लाह पे यकीन इसलिए रखती हूँ ना, जो अल्लाह ने लिख दिया मेरे किस्मत में वही पूरा होगा, वही मुझे मिलेगा, और अल्लाह लाख लाख शुक्र उसने मुझे अच्छी से नवाजा है। Is there something you're proud of that no one knows you did? आपने कोई ऐसा काम किया जिस पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ख्र हो के? नहीं, मैंने कभी अपने ऊपर फ़ख्र नहीं किया। नहीं, कोई ऐसा काम किया जिससे आपको ये फील तो गया हो ये अच्छा काम किया मैंने, और आप मेरे अलावा आमिर सुल्तान को पैदा करने के अलावा? मेरा दिल चाहता है कि मैं मुझे अल्लाह ताला इतना दे कि मैं कोई मस्जिद बनवाऊँ या कोई ऐसा काम कर जाऊँ कि लोग बाद में मुझे याद करें मरने के बाद। ये दिल चाहता है बस। What is the hardest decision you've ever had to make? आपने कौन सा मुश्किल तरीन जो आपका वो था फैसला था आपकी जिंदगी में, बट आप जब से लेके अब तक का कौन सा ऐसा डिसीजन था? नहीं, मैं तो ज़्यादा डिसीजन लेती नहीं थी क्योंकि मेरे शौहर जो थे सुल्तान साहब वही डिसीजन सब लेते थे वो, बल्कि मैं हर काम उनसे पूछ के करती थी, और अपनी जो हमारी सास और सबके साथ रहती थी जो वो लोग कहते थे वो ऐसा ही करती थी, क्योंकि मेरी माँ ने यही बताया था मुझे कि जो वो लोग कहें उस पर ही अमल करना बेटा, क्योंकि आपको अब ज़िंदगी वही गुजारनी है। Two more. What is something about our Muslim heritage or family values that you want future generations to know? आप अपनी जो जैसे हमजा की, हैदर की और अरहम की जो बच्चे आएंगे उनके लिए क्या बताना चाहती हैं, मुसलमान होने के नाते से क्या करना चाहिए उन लोगों को? मजहबी तौर पे अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, इज्जत करो माँ बाप की, उनका ख्याल रखो, और इल्म भी हासिल करो, दीन दुनिया का भी और दीन का, पहले दीन का। मेरे नज़दीक यह है कि मेरे जितने भी वह हैं पहले दीन का समझ, नमाज रोज़ा ये सब चीज़, और उसके बाद क्योंकि मैं बचपन में मुझे मैं तो वहाँ पाक जब इंडिया में होती थी जब से मैं नमाज को मुझे पाबंदी कराई जाती थी, मेरी दादी कटवाती थी, और मेरी दादी की बहन के पास भी मैं रहती थी, वो भी मुझे नमाज़ पढ़वाती थी अपने साथ खड़ा करके। जब मैं छोटी थी 7-8 साल की होंगी मेरे ख़ास, जब मुझे इतना पढ़ना भी नहीं आता था, कुरान की सूरतें वगैरह भी नहीं थी, और मेरा दिल यही चाहता कि मेरे जो भी हैं फैमिली मेम्बर जितने भी हैं मेरे, माशाल्लाह चारों बेटे बेटी हैं पाँचों, और उन सब के जो बच्चे हैं बीवी हैं मेरे दामाद हैं जो है अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, तीनों दामादों को, पाँचों बेटियों को, चारों बहुओं को, और पोता पोती नवासा नवासी सबको ये है कि इस्लाम
अपने मजहब पे प्यार कर सकते हो। वो भी पढ़ो, वो भी पढ़ो, दुनियावी इल्म हासिल करो, डिग्री है, डॉक्टर बढ़ो, इंजीनियर बढ़ो। अब क्योंकि तुम्हारे नाना अबू जो थे ना चोर, वो तो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते थे, शाहीन को डॉक्टर बनाना चाहते थे, बहुत कोशिश की उन्होंने शाहीन के लिए, तो दिखो था इसके डॉक्टर बने, क्योंकि उसका रुझान बहुत पढ़ने में बहुत थी ना, वो माशाल्लाह बचपन से इतना बड़े शहजाद थे, पढ़े तो माशाल्लाह सबने पढ़ा है। अब जैसे ये आन के यहाँ पे आन के इन्होंने उठवा, जावेद ने और आमिर ने माशाल्लाह कितने उनकी डिग्री है उनके पास, आपको तो मालूम होंगी, हमारे नवासों को पोतों को भी जो बड़े हैं, छोटों को तो चारों में क्या पता है। Is there any final advice that you want to share? आपको मशवरा देना चाहती हैं ना, खासतौर पे हमजा को, हैदर को, गजल को, क्या मशवरा दूँ? माशाल्लाह आजकल के बच्चे तो बहुत ही स्पेयर वाले हैं, बहुत ही समझदार हैं, अकलमंद हैं। हम जैसे हम लोग होते थे ना, हम बहन भाई बहुत, हमें कुछ नहीं इल्म होता था, ना दुनिया की बातों का इल्म होता था ज़्यादा, ना दीन की, जब हम छोटे थे, है ना। और अब के बच्चे तो हमारे जो जनरेशन है हम, वो तो बहुत ज़्यादा हमसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उनको सब चीज़ों में अवेयरनेस कहते हैं या उसको तजर्बा। मैं ये देखती हूँ कि माशाल्लाह तुम, मैं ये हमारे नवासी हों, नवासी हों पढ़ाई में, लिखाई में, और उसमें छोटे छोटे से ये जैसे हमारी ये दोनों पोते हैं, वो हमारे इब्राहिम या वो हैं हसन हुसैन है ना, और ये आमिर के दोनों बेटे माशाल्लाह अल्लाह रखे है ना, शहजाद के एक बेटे और वो आरहम है ये, और उसाम है, और नौमी के दोनों बेटे, वो छोटा वाला है ना, वो मालूम उसको सब कुछ आता है कि अब मुझे वो कंप्यूटर चलाना उसको आता है, टीवी चलाना उसको आता है, जैसे इसको आता है इसको। शाम को अभी उस दिन कर रहा था ना वो, है ना, आपको वो हमें तो, मुझे तो अब तक नहीं आता था टीवी चलाना, वो तो आए नाम ना अबू तो वो करते तो गुस्सा बाद में कहते तुम क्या हो, तुम टीवी नहीं चला सकती, ये नहीं कर सकती तो। और वो जो होता है कंप्यूटर वगैरह वो सब में परफेक्ट। आजकल के बच्चों क्या है बचपन देखिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।